नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से कांग्रेस के सीनियर कायदीन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस भेजकर गुज़िश्ता 4 दिनों से इंक्वायरी और पूछताछ जारी है और कांग्रेस कायदीन को गैर जरूरी तौर पर हरासमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड केस जो बंद हो चुका है, इसको दोबारा ओपन करके कायदीन को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मरकजी बीजेपी हुकूमत की इस मनमानी के खिलाफ गुलबर्गा साउथ रूरल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई और एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के जरिए सदर जमहूरिया हिंद को रवाना किया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे में साउथ ब्लॉक कांग्रेस सदर लिंगराज कन्नी, साबिक MLC अल्लम प्रभु पाटिल, साबिक मेयर गुलबर्गा शरण कुमार मोदी और कसीर तेजाद में कांग्रेस कारकुनान शरीक रहे। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। भारत देश में बीजेपी गवर्नमेंट आके सत्ता में आके 8 साल हुआ। ये 8 साल बीजेपी में क्या बोला था, 108 झूठ बोले हमारे प्रधानमंत्री। हम 15 लाख लाएंगे, आप सबका राइट का अकाउंट खुदा लेंगे, बोल के लाया क्या? वो कुछ नहीं हुआ। कोरोना टाइम पे घंटी बजाओ, धूप लगाओ, दीप लगाओ, बोले ठहरे क्या? आज तक कोरोना नहीं ठहरे। चुप नाटक करने वाले मोदी, ये आज हमारे पूरे कांग्रेस लोग लीडर को लोग पर हमला कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस साहब की दरवाजे तक नहीं पहुंचने नहीं दे रहे और झूठा ED केस डाल के राहुल गांधी को अरेस्ट करके 13, 14, 15, 16 4-5 दिन से ED ऑफिस को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? क्या गलत कहे हैं? गलती है क्या? ब्रिटिश लोगों के सामने ठहर के ये पत्रिका निकाले से कौन है? 1935 में महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, गफूर खान जी, पूरे कांग्रेस वाले लीडर्स मिलके ये पत्रिका खोले सो है। ये पत्रिका देश के बारे में, लोगों के हिता विपाजित के बारे में ये न्यूज पहुंचाने के वास्ते ये पत्रिका खोले सो है। 1942-45 में यही ब्रिटिश सरकार ये बंद करे थे, ये पत्रिका यही बंद करे थे। इसको 90 करोड़ रुपए इसका ब्याज हुआ था, इसका नुकसान में था, वो कांग्रेस पार्टी के तरफ से भरे हुए है, खुला खुला है, वो सार्वजनिक का स्वत्व है बोल के बोल रहे हैं। फिर भी छुपी झूठ इसके हिडन एजेंडा ऊपर के हमारे राहुल गांधी को पकड़ लेके ED में तौंदरी दे रहे हैं। ये गलत है, ये टेरना और लोगों के वास्ते जो काम करने का वो पहले काम करो। ये सिलेंडर का रेट 1000 रुपये हो गए, पेट्रोल डीजल का रेट ज़्यादा हो गए, पूरा सब महंगे हो गए, ये पहले रेट कम करो। ये रुपए के बारे में कितना लोगों को नुकसान हो गए, उसको हेल्प करो। कोरोना में कितना लोग मरे उसको पैसे दे रहे हो, गोबरा लेके आओ, बीज दो, छोड़ के ऊपर छुपी कांग्रेस वालों को तकलीफ देना छोड़ दो। इसके वास्ते हमारे ब्लॉक कांग्रेस दक्षिण और ग्रामीण और नगर के तरफ से आज हम प्रतिभटन करके हमारे पूरे पार्टी के लीडर के साथ राष्ट्रपति को थ्रो DC से मेमोरम देने आए। आज सबको मालूम है, आज देश में जो केंद्र सरकार, जो BJP सरकार, जो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो ED का नोटिस भेजा गया था, उसके लिए कांग्रेस पार्टी आज तीव्र खंडन करते हैं। और ये जो नेशनल हेराल्ड केस का जो दाखिल करके आज जो 2014 में ही वो केस क्लोज हुआ था, आज फिर से वो ओपन करके जो हमारे लीडर्स को आज एक हरेसमेंट के रूप से जो 4 दिन से लगातार उनको ED ऑफिस को बुलाया गया है और 23 तारीख को फिर से माननीय श्रीमती सोनिया गांधी हमारे अखिल भारत कांग्रेस समिति के जो अध्यक्षिनी है उनको भी 23 तारीख को बुलाया गया है। मगर इस केस में कुछ भी नहीं है। जब 2014 में भी केस क्लोज हो गया था, ये नेशनल हेराल्ड जो केस है, जो कांग्रेस पार्टी जब अधिकार में था, जो यंग इंडिया को एक नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रांसफ़र करके जो यहाँ का जो जबकि प्रधानमंत्री जो स्वतंत्र पूर्व से पहले जो हमारे
माजी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रारंभ किया था। आज ये कांग्रेस का अस्तित्व है बोल के, कांग्रेस बचाने के लिए ये नेशनल हेराल्ड का जो बंद हुआ था वो यंग इंडिया को ट्रांसफर करके वो संपत्ति को बचाने की कोशिश है। और उसमें जो आज ये लोग 2000 करोड़ का है, 4000 करोड़, ये लोगों को दिशा भूल करने के लिए बीजेपी सरकार ऐसे कर रहे। इसके लिए अखिल भारत कांग्रेस समिति के अध्यक्षिनी को और जो पूर्व अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी के साथ पूरे हमारे देश के आवाम और पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता आज उनके साथ है बोल के हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं।